हाय एवरीवन, मैं हूं मोहित गोयल और आप देख रहे हैं टिप्स एंड ट्रिक्स गुरु। आज हम अपने इस वीडियो में आपके लिए ई वे बिल से रिलेटेड एक अपडेट लेकर आए हैं जो कि रूल 138E सब रूल बी के बारे में है। ये सब रूल बताता है कि जो भी टैक्स पेयर है वो अगर अपनी GSTR 3B लगातार 2 महीने की या 2 पीरियड्स की फाइल नहीं करता है तो उसकी ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी को ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब इसी के ऊपर रिसेंट GST काउंसिल मीटिंग में डिस्कशन हुआ और उसमें ये टर्म को थोड़ा रिलैक्स किया गया है छोटे व्यापारी के लिए जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है, तो उन लोगों के लिए ये अभी ब्लॉकिंग फैसिलिटी को नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ये फैसिलिटी 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा के टर्नओवर वालों के लिए अप्लाई हो जाती है। अब इसी के साथ साथ ये भी बता देना ज़रूरी है कि ये टर्नओवर जो है वो पैन बेस पर देखा जाएगा। यदि आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा का है लेकिन ऑल ओवर इंडिया ब्रांचेज में अलग अलग GSTN हैं तो ये टर्नओवर 5 करोड़ जो गिना जाएगा वो पैन के बेस पर गिना जाएगा। और अगर कोई पर्टिकुलर GSTN लगातार 2 टैक्स पीरियड की रिटर्न GSTR 3B नहीं भरता है अप टू अगस्त 2020, यानी वो जो देखेंगे वो अगस्त 2020 तक देखेंगे और उसमें कोई 2 रिटर्न या उससे ज़्यादा पीरियड की रिटर्न उस GSTN की नहीं भरी हुई है तो उस GSTN के ई वे बिल फैसिलिटी को ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब ये जो ब्लॉकिंग है वो स्टार्ट होने वाली है 15 अक्टूबर से, इसलिए अभी टाइम है। ये टाइम डिपार्टमेंट दे रहा है कि आपकी अगर कोई पेंडिंग रिटर्न्स हैं तो उनको आप GSTR 3B को फाइल कर दीजिए जिससे कि आपकी पेंडेंसी ख़त्म हो जाए और आपकी ये जो GSTN है वो ब्लॉकिंग में ना जाए। तो दोस्तों, इसी को ध्यान में रखते हुए अगर आपको अपनी फैसिलिटी को बचाए रखना है, ब्लॉक नहीं करना है जिससे आपको परचेज़ में या सेंड करने में दिक्कत ना आए मटेरियल को, तो तुरंत अपनी रजिस्ट्रेशन को फाइल करवाइए। और जो लोग जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से कम है उनके लिए रूल अप्लाई नहीं हो रहा है या जिनकी सारी रिटर्न फाइल हैं वो उनके लिए कोई इशू नहीं है। तो दोस्तों, इसी तरह के अपडेट के लिए जुड़े रहिए टिप्स एंड ट्रिक्स गुरु के साथ और हम आगे भी आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू।